गोप्तवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति श्रीराधिकामयी कदापि कृपां करोतु। अब इस दशम श्लोक में रसिकाचार्य श्रोमणी गोस्वामी श्री हरिवंशी महाराज स्वामिनी की कृपा की याचना कर रहे हैं। श्री राधिका मई कदापि कृपां करो तो, श्री राधिका मुझ पर कृपा करें। कौन सी श्री राधिका कृपा करें? जो पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति है वे श्री राधिका कृपा। ये कृपा कहीं और हुई है? बोले हाँ, यत्पाद पद्म नखचंद्र मणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधूष्वदर्श। जिनके श्री चरण कमल की नखचंद्र मणि की छटा किन्हीं गोप वधुओं में देखी गई है। पूर्व श्लोक में और भाव रस संबंधी बातें कही गई थी। स्वामिनी का स्वरूप रस बताया गया और प्रियतम का स्वरूप भाव बताया गया। वही दूसरे शब्दों में जिसको प्रेमी और प्रेमास्पद कहते हैं और श्रृंगार शास्त्रियों की भाषा में जिसको आसक्त और आसज्य कहते हैं। गोपवधुओं का जब प्रश्न आता है तो स्वामिनी का जो आसज्य भाव है उससे वे अभिषिक्त हुई, क्योंकि विधवालाओं के संबंध में तो सर्वत्र पुराणादिकों में एक ही बात प्रसिद्ध है कि उनके आसज्य श्री कृष्ण हैं और वे उनकी आसक्त हैं। समस्त विधवालाओं का यही वर्णन है जिनके सामने भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, नायम श्रीयो न उत्तांत नृत्यते प्रसादम अथवा न पारीहम निर्वध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला शमृश्च तद्द प्रतियातु साधुना। श्री कृष्ण की इन प्रियतमा ब्रजबालाओं की भजन साधना प्रेम साधना कितने कल्पों से कब से चली आ रही थी इसका हिसाब नहीं है। ये बहुधा आप सुनते रहते हैं। श्री कृष्ण की लीला निमित्त की लीला में चार प्रकार की ब्रजबालाओं का योग है। प्रथमतः जो वेद की ऋचाएं हैं, द्वितीयतः भगवान श्री राघवेंद्र के रूप पर आसक्त ऋषि मुनि जन हैं जिन्होंने उनका अंग संग चाहा था, और तीसरे वो सब देव समुदाय है, और चौथे में वे साधक जन हैं जो कल्प कल्प से साधना करते चले आ रहे थे। ये सभी आनंद कंद श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हैं और इनकी आसक्ति के सामने भगवान श्री कृष्ण जो इनके आसज्य हैं प्रेमास्पद हैं उन्होंने अंत में रास के अंतिम भाग में हार मान ली, क्योंकि परीक्षा में भी खरी उतरी। उनका त्याग सर्वोपरि था। प्रेम का ऐसा प्रतीक कहीं कोई दूसरा नहीं हुआ भूतल पर
गोपी प्रेम की ध्वजा इत्यादि संत महानुभावों ने भी बहुत वर्णन किया है। स्वामी बिहारी देव जी ने भी कहा सांचे प्रेम की गुरु गोपी, जिनकी प्रशंसा सुखमुनि ने की, उद्धव संत ने सराही। उद्धव तो कहते हैं कि आशा चरण रेण जुसा महम श्याम, वृंदावने किमपि गुल मिल तौष धी नाम, या जुस्तम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमृज्ञा। जिस मुकुंद की चरण पदवी चरण रेणु के पदाधिकार को श्रुतियां खोजती फिरती हैं और नहीं प्राप्त कर सकती, उन मुकुंद के श्री चरणों को ब्रज की बालाओं ने प्राप्त किया। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहम स्तनेषु भीतासनै प्रिय दधि मयि कर्कशेषु तेनाटवि मटसि तद् व्यथते न किंचित् पूर्वपादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्ना। जिस समय अंतर्धान होकर के नंद नंदन वन वनांतरों में भ्रमण कर रहे थे अथवा कहीं छिपे हुए थे, ब्रजवालाओं की भावनाओं में एक ही बात थी, जिन कोमल चरणों को प्रियतम आपके इन जिन कोमल चरणों को अपने कठोर वक्षस्थल उरोजों पर धारण करने में हम संकुचित होती थी कि हमारे कठोर उरोज कहीं आपके कोमल चरणों में चुभ न जाए, उन्हीं चरणों से आप इस अंधेरी रात में कंटकों से पूर्ण इस वन में अटबी में अटन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। इन सब वाक्यों से यह सिद्ध है कि श्री कृष्ण आसज्ज हैं और ब्रज की बालाएं आसक्त हैं। यहां यह पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया विस्फूर्जितम किमत गोप बधु स्वदर्शी, किन्हीं ब्रजवालाओं में स्वामिनी के चरण कमल नखचंद्र मणि की छटा का प्रकाश देखा गया। ये ध्वनि हमको और भी कई जगह मिलती है। अरे चौथे श्लोक में आया ना, आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु तम राधिका चरण रेणु अहम स्मरामि। इसमें बहुत स्पष्ट है, श्री विश्वानंदिनी नित्य बिहारिणी के श्री चरण रेणु को जिन ब्रजवालाओं ने शिरोधारी किया, शिरोधारी किया का अर्थ ये मानना चाहिए कि उनके श्री चरण कमल की अधीनता स्वीकार करके उनकी भावों का अनुगमन किया। पूजा में चरण रेणु धारण करने में भी अर्थ है, तथा यहां उनके भाव को धारण करने में है। तो उपलब्धि क्या हुई, प्रिय गुणी रपि पिछ मौले, और उनका अभिलिषित भाव वो भी मिल गया, पिछमौली मिल गई, और स्वामिनी के अंतर में जो भाव है पूर्णानुराग का भी अधिकारी हो गई। पूर्णानुराग की बात आगे कहेंगे। संक्षेप में पूर्णानुराग का अर्थ किया है जो अनुराग पूर्ण है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक अनुराग अपूर्ण भी है। अरे पूर्ण शब्द कहा गया तो एक अनुराग की स्थिति अपूर्ण भी माननी चाहिए। संक्षेप में बात ये, जो प्रेम जो अनुराग किसी की अपेक्षा से पूर्ण होता है वो अपूर्ण है, और जो अपने आप में पूर्ण है अनपेक्षित है, किसी की किसी गुण की किसी धर्म की किसी स्वभाव की किसी शील की किसी वस्तु की किसी सहयोगी सहायक की जिसमें कहीं कोई आवश्यकता नहीं है वो अनुराग पूर्ण है। स्वामिनी का जो अनुराग, कभी कभी ऐसा भी वर्णन मिलता है हमको
कि स्वामी आसक्त है और प्रियतम आसज्य है, वहां पर भी उनका अनुराग पूर्ण दिखता है। वैसे अधिकांश रूप से संपूर्ण ग्रंथ में स्वामिनी का प्रेम पूर्णावस्था को है, पूर्णामृत प्रेमामृत रससारम इत्यादि अनेक स्थलों में वर्णन आया। तो अनपेक्षित है, किसी की अपेक्षा उसमें नहीं है। तो ऐसे पूर्णानुराग की ये ब्रजबालाएं अधिकारी हो गई, परंतु इसमें सब नहीं है। किमपि शब्द दिया है, किमपि गोप वधू शोदर्शी, किन्हीं ब्रजबालाओं में देखी गई। तो अब क्रम से हम चले, साराधिका मई कदापि कृपां करो तू, राधा और राधिका शब्द में भेद किया है, क्योंकि राधिका में जो कह प्रत्यय दिया गया है उसका अर्थ किया है मैंने कल, और एक दिन और भी उसका निवेदन किया था, जिसमें अज्ञाते कुत्सिते संज्ञाया मनकंपने और हृष्वे बाचेच कह स्मृतः इत्यादि। तो अज्ञात से बताया कि जिनका स्वरूप न वाणी से कहा जा सकता है और न जिनके स्वरूप की परिकल्पना किसी का मन कर सकता है, यहां तक कि उनके स्वरूप की परिकल्पना जो नित्य सच्चानंद घन श्री कृष्ण है वे भी नहीं कर सकते, ऐसे कि उनके प्रेम की व्यथा नहीं पाते हैं। ऐसी श्री राधिका मई कदाप कृपां करो तू, वो मुझ पर कृपा करें तो कृपा करें। इसमें दो बात प्रकट हो रही है, एक तो ये आदेश जैसा है क्योंकि अधिकारी है, ये स्वामिनी के प्रेम दान के अधिकारी हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि कृपा करें आदेशात्मक भी है। क्यों उन पर यह अनुशासन, क्योंकि वे कृपा करें, इसलिए कि वो कृपा नहीं करेंगे कि तो उनसे उनके स्वरूप की हानि है। उनके स्वरूप की जो सर्वोपरिता है वो कृपा मूर्ति मानी जाती है वेद में, पुराणों में, इतिहास ग्रंथों में और भक्तों के भावों में। उनकी जैसी कृपा मूर्ति कोई नहीं है। यदि वो अपनी कृपा से किसी को वंचित करती हैं तो उनके स्वरूप में कमी तो आई गई। इसलिए उनके हित में ये निवेदन है कि साराधिका कृपां करो तू। कैसी कृपा? बोले पूर्व में जिन्होंने की है, गोप वधुओं पर उनकी कृपा हुई है और तत्त ज्ञात अज्ञात अनेक संत महानुभाव रसिक हुए हैं, जुग जुग में होते चले आए हैं, क्योंकि उनका स्वरूप तो नित्य है और कल्प कल्प भेद से अनेकानेक महापुरुष हुए हैं, उन पर भी उन्होंने कृपा की है, इसलिए भी उनको कृपा करना चाहिए। और कदापि पद में एक संशय है, कदापि कृपां करो तू, कभी मुझ पर कृपा करेंगी? क्यों ये संशय क्यों है? क्योंकि अपने स्वरूप का जब विचार करते हैं, क्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा कुत्र चासौ कृष्णस्तस्या कुछ कमलयोरंतर एकांतवासा, कौहं तुच्छ परम मदम प्रण्य हो गरीय कर्मा, मेरे जैसा अधमाधम नीच निंदित कर्मों में लगा हुआ जीव महा अमंगलमय कभी तो उस कृपा का अधिकारी हो ही नहीं सकता। तो निराशा में ये वचन निकलते हैं, कदापि कृपां करो तू, क्या कभी ऐसा संभव होगा कि मैं कृपा का अधिकारी बन सकूंगा अथवा बन सकूंगी? संस्कृत की व्याकरण क्रियाओं में दोनों लिंग बरतते हैं।
साराधि का एक लक्षण तो पहले किया गया है और दूसरे अनेक स्थलों में श्री राधिका के स्वरूप का निरूपण हुआ है, सौंदर्य की दृष्टि से, माधुरी की दृष्टि से, विभव की दृष्टि से। सालावण्य चमत्कृतिर नवभयो रूपम च तन्मोहनम तत्त केल कला विलास लहरी चातुर्य माश्चुर्य भू नो किंचित कृतमेव यत्र नुतिर नागो नवा संभो। ऐसी जो स्वामी है साराधिका मई कदात कृपां करो तू। एक बार ऐसा लगने लगता है कि जैसे असंभव है, और इस निवेदन में ऐसा लग रहा है कि जैसे निवेदनकर्ता बहुत दूर है कृपा के देश से, कृपा के देश का उसको स्पर्श नहीं है। प्रीति देखो दो तरह से है, एक संयोग में है, एक वियोग में है, एक संभोग श्रृंगार है, एक विप्रलंब श्रृंगार है। प्रीति दोनों दशाओं में, संयोग में मिलन का सुख है और वियोग में स्मृति का सुख है, और आचार्यों ने दोनों पक्षों का परिपोषण किया है। साराधिका मई कृपान करो तू, कदापि कृपान करो तू, वो मुझे अपनी कभी कृपा का पात्र बनावेंगी, इसमें स्पष्ट रूप से वियोग का अनुभव होता है। राधा सुधा नदी में भी संयोग और वियोग दोनों प्रकार के प्रेम का वर्णन है। एक पक्षीय वर्णन हितरवेश जी ने नहीं किया, क्योंकि श्री राधा भाव की, राधा के आसज्य रूप की और राधा के आसक्त रूप की, राधा और श्री कृष्ण के मिलन रूप की और राधा और कृष्ण के वियोग रूप की जो प्रेम स्थिति है, उसका यदि समग्र वर्णन नहीं होता तो ग्रंथ आर्ष नहीं बनता है। सीधे शब्दों में यदि कहा जाए तो श्री राधा ने भी श्री राधा चरणारविंद की समग्र उपासना का उत्समूल ग्रंथ है, इसलिए इसमें दोनों बात मिलेंगी। पहले भी ये बात एक आध बार निवेदन में आई, विप्रलंब की बात आई, वीणां करे मधुमती मधुरस्वरां तामाधाय नागर शिरो मणिभाव लीलां गायन्त्यहो दिनमपार मिवाश्रु वर्षैर् दुःखान्यन्त्यः सा हृदि मेस्तु राधा। इसमें वियोगिनी श्री राधा का वर्णन है। प्रियतम गोप सखाओं के साथ मानो वन में गोचारण के लिए चले गए, संपूर्ण दिन गोचारण में व्यतीत हो रहा है, उनके स्मरण में समय व्यतीत करने के लिए अपनी प्रिय मधुमती नाम की वीणा को लेकर के वादन करते हैं और प्रियतम के गुणावली का, रूप का, रस का ध्यान कर रही है। और भी एक जगह आया है, श्लोकान प्रेष्ठेशं कतान ग्रह सुकान ध्यापित कहीं चित गुंजा मंजुल हार वर मुकुटा द्यावेदिशाग्रता श्याम प्रेष्ठ पूज्य माल्य नवगंधा देश संपूर्ण। इस प्रकार से संपूर्ण दिन को कैसे व्यतीत कर रही हैं, वीणां करे मधुमती मधुरस्वराम ताम आधाय धारण करके शिरोमणि भाव लीलाम गायंती प्रियतम के गुणावली का गान करती हैं। दिन अपार विवाश वर्षै नयंती, इस अपार दिन को, क्योंकि वियोग के काल में काल बड़ा विस्तृत हो जाता है, सुख के दिन थे एक सपन था, दुख के दिन बीतत नाहीं, अपार दिवस को, दिवस तो उतना ही बड़ा है कालक्रम से, किंतु वियोगी के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। अश्रु वर्षण करते हुए तहां दूसरा वर्णन एक और ऐसा मिलता है, विच्छेदाभा समानादः निमिषतो गात्र विस्रंसनादौ चंचत कल्पाग्नि कोटि ज्वलित में भवेद बाह्यम अभ्यंतरम च गाढ़ स्नेहानुबंध ग्रथित में तयोरद्भुत प्रेम मूर्त्यो
श्री राधा माधवाक्यम परमेहमधुरम तद्वयम धाम जाने। इस वृंदावन के धाम के प्राण स्वरूप ये युगल राधा और माधव कितने मिले हुए हैं, कितने एकाकार हैं, कहने को ये दो हैं पर वस्तुतः ये एक ही है। दो तन हैं पर एक प्राण है, एक मन है। कभी एक क्षण के लिए ये वियुक्त नहीं होते। गलवहिया दिए हुए अनशन पर भुज दिए, बिलोकत इंदु बदन बिबियोर और करत पान रसमत परस्पर लोचन प्रसित चकोर। परस्पर दो चकोर दो चंदा, चकोर चंद्रवत परस्पर मुखमाधुरी का पान करते हुए सदा अतृप्त है। कभी तृप्ति नहीं आई, क्योंकि तृप्त हो जाए तो प्रेम अपूर्ण हो जाएगा। तृप्ति न होना ही प्रेम की पूर्णता है। एक शैया पर एक आसन पर विराजमान अपलक नेत्रों से मुखमाधुरी का अनवरत पान करते हुए वियोग की कल्पना यदि कदाचित जुगल के मन में आ जाती है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम वियुक्त हो जाएं, छूट जाएं, इस कल्पना के आते ही कोटि कोटि प्रलयाग्नि की ज्वाला है, अग्नि की सामान्य ज्वाला, प्रलय की अग्नि ज्वाला और कोटि कोटि प्रलय की अग्नि ज्वाला। पुराणों में आता है कि जब महाप्रलय होना होता है तो वर्षा का तो अत्यंत अभाव हो जाता है और सूर्य प्रखर किरणों से तपता है, सब जल जाता है, तब ये पृथ्वी जैसे उपला उपला होता है ना गोबर का, इसको दहका करके जला दो तो जैसे लाल लाल एक पिंड की तरह दिखता है, तद्वत ये पृथ्वी पिंड की तरह हो जाती है। ये तो एक प्रलय अग्नि की बात है। कोटि प्रलय अग्नि की ज्वाला की भांति उनके अंतर में विरह की व्यथा ज्वलित हो उठती है। कैसे मिले हुए हैं, बले मिल जातम मरकत द्रुत स्वर्ण छायम, जैसे दो स्वर्ण के तारों को मिला दो, ऐंठ दो, ऐठे का जैसे चूड़ा बन जाए, इस प्रकार से दोनों अंग से अंग। ध्रुवदास जी ने तौर पराकाष्ठा की बात कही, मिले जहां अनमिल से माने तहां को प्रेम को कहा बखाने। मिले हुए भी जो अनमिलन का अनुभव करते हैं वहां के प्रेम की बात कैसे कही जाए। वहां न संयोग है न वहां वियोग है, वहां निरंतर की एक तृषा है, एक प्यास है, यही सूक्ष्म विरह है, यही सूक्ष्म प्रेम है। और बाकी नैमित्त की लीला में विप्रलंब श्रृंगार के अनेकों कुंजांतर होता है, गोचारण के समय में वियोग होता है और जब प्रवास हो जाता है मथुरा चले जाते हैं प्रियतम, तब तो हाहाकार मच जाता है। हम यहां पर वियोग की कथा नहीं कर रहे और संयोग की बात भी बड़ी विलक्षण है। संयोग में क्या सुख है इसको संयोगी जाने, कमल मुख देख अतृप्ति न हो। जहां अतृप्ति है ये भी आजकाल दो लोक लाज त्याग त्याग सीखे हैं, सखीरी स्नेह सरसाए वो त्योर स्खान दृंदे में बात फैल जय है, कहां लो सहानी चंद हाथन छिपायो। आज हो विलोक्यो वीर निपट कलिंदी तीर, दोन को दोन सो मुख मुस्काए वो, दो परे पहिया दो लेत हैं बलैया, उन्हें भूल गई गैया इन्हें गागरी उठाए वो। ये परस्पर संयोग का जो सुख है वो अपने आप में विलक्षण है। यातायात शतेन संगमित और अन्य वक्रोल्लसत
चंद्रालोकन संप्रभूत बहुलानंगाम्बुदिक्षोभयो अंतःकुञ्ज कुटीर तल्प गतयो दिव्याद्भुत पीडयो राधा माधवयो कदानु श्रुणुयाम मंजीर कांची ध्वनि। वहीं श्री राधा सुधा निधि में एक मिलन सुख की कल्पना की है। कभी राधा माधव की मिलित मंजीर ध्वनि सुनने का सौभाग्य मिलेगा, आकांक्षा है ये। मैंने निवेदन किया था ना कि जहां आकांक्षा का वर्णन हो वहां आचार्य आकांक्षा करते हैं, जहां क्रीड़ा और लीला का वर्णन हो वहां सजनी वर्णन करती है, ऐसा मानना चाहिए। सखी कहती है कि मैं इधर से उधर दौड़ी बार बार मानवती किशोरी को मनाने के लिए, कभी सांत्वना देने के लिए प्रियतम के पास एक नहीं सौ सौ बार दौड़ना पड़ा। जाए के रूठी हुई किशोरी से निवेदन किया, तेरे हित लेन आई बनते श्याम पठाई, हरत कामिन घन कदन काम को काहे को करत बाधा, सुनरी चतुर राधा भेट के मेटरी माई प्रकट जिगत भव। देख रही रजनी ने की रचना रुचिर पी की, और प्रकृति से पुलिन नलिन नभ उदित रोहनी धौ, तू तो सखी से आनी ते मेरी एको न मानी, हो तो सो कहत हारी जुगती जुगति सो, मोहनलाल छवि लो अपने रंग रंगी लो, मोहत विहंग पशु मधुर मुरली रो, बेतौल गनत तन जीवन जौवन तब जय श्री हरिवंश हरि भजई भामिनी जो। कितनी युक्तियों से चतुर दूतिका ने बात की, मैं उनके प्रेम से विवश नहीं आई हूं, तेरे लिए आई हूं, तेरे हित में आई, तेरे हित लेने आई, और इसीलिए बनते श्याम पठाई, मोहनलाल छवि लो अपने रंग रंगी लो, आकाश में देखो ये रोहिणी धौ, रोहिणी का पति उदित हुआ है और तुम पति से रूठी बैठी हो। इन व्यंग भी हैं उसमें, व्यंजनाएं भी हैं, तू सखी सयानी पे मेरी एकोन मानी, सौ सौ युक्तियों से तुझे निवेदन किया परंतु तू अपना हठ नहीं छोड़ती है। एक जगह स्वामी जी के पदों में मानवती को मनाते हुए जब थक गई ललिता, प्यारी पहरे चुनरी तैसी लहंगा बनो सिलसिलो पूरन मासी किसी पुनरी, हो जो कहते चलिए मनमोहन मानेगी नया घुनरी, घुनरी घुन्नी जो कहे ही नहीं कुछ अपनी बात को। श्री हरिदास की जब चलने को तत्पर हो गई ले चली प्रियतम को, तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी चरण लपटाने दुहुनरी, दोनों लिपट पड़े। तो यातायात सतेर संगमितियो, जुगल का मिलन हुआ, रण्योन बक्रोल सत्य, दोनों के कुटिल कटाक्षों का प्रहार हुआ। इस प्रहार में भी प्रीति का व्याख्यान होता है, नैनों की बातें नैनों में होती है। शहीद भोरी जी ने एक जगह नैनों की बात, जो नैनी नैना उड़ जाते तो नैना ही कहते, नैना ही सुनते, नैना ही समझते, नेत्रों में प्रेमियों की भाषा है, वाणी का व्याख्यान नहीं है, प्रेम का व्याख्यान सब मौन का व्याख्यान। एक बार एक किसी अलमस्ते का एक गीत प्रारंभ से नहीं, अकस्मात रेडियो खोला तो गाता हुआ सुनाई दिया, बोला ये हिंदी वाले उर्दू वाले हमसो झगड़ा लावे, हिंदी वाले अपनी भाषा किस किस को समझावे। समझ में नहीं कौन बोल रहा था, बड़ा पहना लगा उसका ये वाक्य, हिंदू वाले अपनी भाषा, अंग्रेजी वाले अपनी भाषा, उर्दू वाले अपनी भाषा, और हम दिल वाले अपनी भाषा किस किस को समझावे। तो दिल वालों की प्रेमियों की भाषा ही अलग है, मौन में ही कहनता की सुरत श्रोता ने, शोभ नागर लोग बूझत कही न आवत बैन,
यातायात शतेन संगमितेर अन्योन्य वक्लोल्लस चंद्रालोकम्। जब देखने दूसरे का, दूसरे ने पहले का मुखारविंद दर्शन किया, वो लावण्य की डहाट, अंतर की प्रीति प्रतीक्षा, तब तो दोनों के हृदयों में प्रेम का मनोज्वार भाटा हो गया, अनंगा मुदिक्ष हो गया, सारा मान ठह गया। दोनों के करकमल मिले, अंतः कुंज कुटीर तल्प गतयो, वृंदावन के निभुत निबुड़ निकुंज देश में प्रविष्ट हो गए और दिव्यादुत क्रीड़यो, दिव्य और अद्भुत क्रीड़ा में दोनों तल्लीन हो गए। सखी कहती, यहां तक तो पहुंचने का अधिकार बिना कृपा के नहीं होता, और वो देश एकांत कई देश है, यही कृपा का क्या कम है कि ऐसे जाते बिलसते हुए प्रिया प्रीतम के किंकणी किंकण की ध्वनि, मंजीर की ध्वनि हमारे कानों में पड़ जाए। ये संयोग श्रृंगार है, और दुप्रयोग श्रृंगार भी अपने ढंग का है। इतर ऋषि महाराज ने